Hello and welcome friends, today we are going to learn about a VBA code for changing the property of your place. So how can we use this VBA code? Let's see. First of all, we have to open Microsoft Access. So I opened already here Microsoft Access and click on blank database, and I design a table, and table name is TB student, okay, and press enter, and here is ID of a student and here is the name of a student. After giving name, we have to choose the data type, and data type is text. And after choosing the data type, we have to put our cursor in next field, and I write here the name of city. So I type here city and choose the data type text. After choosing the data type, we have to click on view and click on a yes. Write here a name, for example Ram, and city is Devaria. Write the second name. We have choose the data type for ID, auto number, that's why the number is generated automatically, okay. Here I write Shyam, and the city is Gorakhpur, and the city is Devaria, okay. So I have a data here, and yahan par hum isko save kar lete hain. और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से क्रिएट पे चलना है, और क्रिएट पे आते ही हमको कहाँ जाना है, हमें जाना है फॉर्म डिजाइन पे. ये फॉर्म डिजाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दें, और यहाँ से आपको आना है एड एग्जिस्टिंग फील्ड पर, और टीवी जेड स्टूडेंट ये नेम है हमारे टेबल का. और यहाँ से हम पहले आईडी इंसर्ट कराते हैं, फिर नेम इंसर्ट कराएंगे और सिटी इंसर्ट कराएंगे. आप चाहे तो और भी डेटा टाइप, यू कैन टेक भी डेटा ले सकते हैं. चलिए आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ बाहर क्लिक कर दीजिए आप. और अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको जाना है यहाँ से प्रॉपर्टी शीट पे. ये जो प्रॉपर्टी शीट दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर आप क्लिक कर दें. जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का व्यू आपके सामने आ जाएगा. और अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इवेंट पे रहना है. आपको इवेंट, ये जो इवेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ इवेंट पे रहते हुए आपको क्या करना है, आपको फॉर्म चूज करना है. ये जो फॉर्म दिख रहा है ना, ये चूज करना है आपको फॉर्म, ओके. तो जैसे ही फॉर्म आप चूज करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा. और फिर ये लिखा हुआ है ऑन लोड, ये दिख सकता है आपको, ये ऑन लोड लिखा हुआ है. यहां से आपको इस पर क्लिक करना है, ये जो तीन डॉट्स दिख रही है इस पर क्लिक कर दीजिए, और आ जाइए कोड बिल्डर्स पे. यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का सीनारियो आपके सामने ओपन हो जाएगा. अब आपको करना क्या है, कोड क्या लिखना है वो समझ लीजिए. आपको टाइप करना है फॉर्म और यहां अंडरस्कोर लगाया हमने, और आपके फॉर्म का जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल हमारे फॉर्म का नाम यहां क्या है, हमारे फॉर्म का नाम है फॉर्म वन, ठीक है. तो हमको यही यहां पे लिखना है, जो भी आपने फॉर्म का नाम दिया होगा वही आपको लिखना है. तो यहां लिख दिया फॉर्म वन, और फिर आपको क्या करना है, डॉट लगाना है और यहां पर कैप्शन, तो ये कैप्शन आ जाएगा और इसको इंसर्ट करवा लीजिए. इज इक्वल टू आपने क्या नाम देना है, आपने जो भी नाम देना है अपने फॉर्म को, कैप्शन आपने जो भी देना है वो यहाँ पे दे रहे हैं. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे देता हूँ, द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ओके. ये देने के बाद डबल डॉट कोट्स को क्लोज कर दीजिए आप, ठीक है. और क्लोज करने के बाद क्या करना है आपको, इसको सेव करना है, ठीक है. यहां से चाहे तो आप सेव कर सकते हैं इसको, फॉर्म वन के नाम से मैंने सेव कर दिया है इसे. और अब यहां पर आपको क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है ना, ये आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है व्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस. तो यहां पर आप क्लिक कर दें. अब हमको चलना है वापस कहां, फॉर्म व्यू पे. तो जैसे ही फॉर्म व्यू पे आएंगे तो यहां आपको दिख जाएगा जो आपने कैप्शन डाला हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा. ये आप देख सकते हैं, द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम दिया था वो यहाँ पे लिख करके आ रहा है. तो इस तरह से आप कैप्शन के लिए भी VBA कोड का यूज कर सकते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.